घनेनु के थाउजेंड द्वीपों का प्रवेश द्वार है, जो कि टोरंटो से 3 घंटे, ओटवा से 2 घंटे और मॉन्ट्रियल से भी 3 घंटे दूर स्थित है। फिर हमने हाईवे 401 लिया, जो कि काफी बिजी रहता है। जहाँ आपको बोर्ड करना है, वहीं पास में एक पार्किंग लॉट है जहाँ आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं। पार्किंग पासेज आप पार्किंग लॉट पर या टिकट ऑफिस से खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस है $5। टिकट ऑफिस से हमने 5 टिकट ली, जिसमें एक टिकट का प्राइस था $52.55 इंक्लूडिंग टैक्स। क्रूज पर चढ़ने उतरने से पहले ऑन साइट रेस्टोरेंट, गिफ्ट शॉप और आइसक्रीम पार्लर भी हैं। क्रूज पर जाने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखें। क्रूज पर बाहर का खाना पीना अलाउड नहीं है। बोट पर आप खाने पीने का सामान खरीद सकते हैं। अपनी जैकेट लाना ना भूले, क्योंकि पानी के कारण मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। बोट पर ऑडियो टूर भी अवेलेबल है, आप इसे अपने फोन में सिटी एक्सपीरियंस ऐप से भी सुन सकते हैं। सिटी क्रूजेस पर अलग अलग पैकेजेस उपलब्ध हैं। लैंडमार्क्स ऑफ थाउजेंड आइलैंड क्रूज, डेप्थ एंड डिस्कवरी ऑफ थाउजेंड आइलैंड क्रूज, हार्ट ऑफ थाउजेंड आइलैंड क्रूज, थाउजेंड आइलैंड्स बोल्ट कैसल स्टॉप ओवर क्रूज, थाउजेंड आइलैंड सनसेट साइट सींग क्रूज, जिनकी रेंज $29 से $75 तक की है। आप इन पैकेजेस में से कोई भी पैकेज चुन सकते हैं। हमने डेप्थ एंड डिस्कवरी थाउजेंड आइलैंड क्रूज वाला पैकेज चुना है, जो कि 3 घंटे का सफर कराएगा। सिटी क्रूजेस गनेनु के सबसे बड़ी और पुरानी क्रूज कंपनी है थाउजेंड आइलैंड्स की। इसमें 350 से 500 यात्री आसानी से सफर कर सकते हैं। दौरान ऑडियो गाइड के साथ साथ विजुअल्स भी दिखाई देते हैं। क्रूज से कनाडा और यूएस दोनों तरफ किनारे पर सुंदर वेकेशन होम्स दिखाई देते हैं, और इसके साथ साथ लॉस्ट शिप्स की गहराई और इतिहास की खोज भी कर सकते हैं आप। Thank you.
महीना कड़वी लाग दिया आपने। आज अमेरिका की कॉफी पीनी है। बोट में तीन डेक्स बने हुए हैं। ऊपर वाला डेक्स खुला होता है और सबसे ज्यादा पैसेंजर भी यही होते हैं, जबकि नीचे वाले डेक्स फुली एनक्लोज्ड होते हैं। अब हम थाउजेंड आइलैंड्स इंटरनेशनल ब्रिज को पार करेंगे, जो सेंट लॉरेंस रिवर पर बना है। ये ब्रिज नॉर्दर्न न्यूयॉर्क यूएस को साउथ ईस्टर्न ओंटारियो कनाडा से जोड़ता है। लीजिए, ये तो सो ही गए। फिर हम करोड़पति की कतार यानी कि मिलियनेयर्स रो को पार कर रहे हैं। जरा इन भव्य घरों को तो देखो, कितने सुंदर लग रहे हैं। यहाँ से आप अमीर और फेमस लोगों के घर देख सकते हैं। स्कूबा डाइविंग यहाँ की मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी में से एक है। सेंट लॉरेंस सीवे के बीच एक ऐसी जगह है जो यात्रियों के लिए स्वर्ग जैसी है, वो है अलेक्जेंड्रिया बे। अलेक्जेंड्रिया बे थाउजेंड आइलैंड का रिजोर्ट सेंटर है, जो कि हजार रूम्स प्रोवाइड करता है इन फॉर्म ऑफ रिजोर्ट्स, होटल, मोटल्स एंड बेड्स एंड ब्रेकफास्ट। घनैनू के क्रूज पर मोस्ट पॉपुलर साइट्स हैं बोल्ट कैसल, हार्ट आइलैंड, सिंगर कैसल एंड द थाउजेंड आइलैंड्स ब्रिज। अब आता है हार्ट आइलैंड, जिस पर शानदार बोल्ट कैसल बना है। बोल्ट कैसल थाउजेंड आइलैंड्स पर मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। ये कैसल 1904 में जॉर्ज सी बोल्ट द्वारा अपनी फैमिली के लिए समर होम की तरह बनाया गया था। कैसल की सुंदरता ओनर की ट्रेजिक लव स्टोरी से मैच करती है। यहाँ से हमने अंकल सैम बोट टूर को क्रॉस किया, जो कि साइट सींग लाइट हाउस पर रुकता है।
ये एकमात्र टूर कंपनी है जो गेस्ट को बोल्ट कैसल और हार्ट आइलैंड का टूर कराती है। सभी बोट पर फूड सर्विसेज उपलब्ध होती हैं। बोट के अंदर ही एक छोटा सा स्नैक सेंटर भी है जहां से आप सैंडविचेस, पॉपकॉर्न और कुछ स्नैक्स और ड्रिंक्स खरीद सकते हैं। और यहीं पर खत्म हुआ हमारा बोट टूर। अब तो पेट में चूहे दौड़ने लगे, तो फिर हम चले 1000 करी रेस्टोरेंट पर। खाना काफी अच्छा था। अब चला जाए घर की तरफ। हाँ, जाने से पहले आपको 1000 आइलैंड पार्क वे दिखाया जाए जो कि काफी सुंदर है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। In 3 kilometers, take exit 122 for Parkdale Avenue.